नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में आध्या प्रसाद उन्मत्त की पुण्यतिथि पर काव्य गोष्ठी। साहित्यिक संस्था कविकुल के जनक साहित्य शिरोमणि आध्या प्रसाद उन्मत्त की पुण्यतिथि पर एक विचार काव्य गोष्ठी का आयोजन संपन्न हुआ। शहर के निकट शुकुलपुर में स्थित कांग्रेस सेवा दल कार्यालय पर जिला अध्यक्ष महेंद्र शुक्ला के संयोजकत्व में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकतंत्र रक्षक सेनानी कविकुल संरक्षण पंडित राम सेवक त्रिपाठी प्रशांत एवं संचालन वरिष्ठ रचनाकार सुरेश संभव ने किया। गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में मशहूर शायरा डॉक्टर शाहिदा बेगम की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। सर्वप्रथम उपस्थित कवियों द्वारा मां सरस्वती एवं श्रद्धे उन्मत्त जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पूजन अर्चन किया गया। वरिष्ठ रचनाकार डॉक्टर श्याम शंकर शुक्ल श्याम एवं सत्येंद्र नाथ मिश्र मृदुल की वाणी वंदना से शुरू हुई गोष्ठी श्रद्धे उन्मत्त जी को याद करते हुए अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ साहित्यकार पंडित राम सेवक त्रिपाठी प्रशांत ने कहा व मोहम्मद सलीम एडवोकेट ने उन्मत्त जी को एक अधिवक्ता एवं बाल न्यायाधीश के पद पर सेवा करने का उल्लेख किया। जहाँ कविकुल अध्यक्ष परशुराम उपाध्याय सुमन ने प्रतापगढ़ जनपद में कवियों की नर्सरी तैयार की। कवि गोष्ठी में उपस्थित रचनाकार डॉक्टर संगम लाल त्रिपाठी भंवर शेष नारायण दुबे राही राज नारायण शुक्ला राजन कुमारी अर्चना सिंह राधेश्याम दीवाना सुरेश नारायण दुबे व्योम ऐश्वर्य पांडे मानस एवं कांग्रेस नेता डॉक्टर नीरज त्रिपाठी व अंत में आतिथ्य महेंद्र शुक्ला उपस्थित कवियों एवं विद्वानों के प्रति आभार प्रकट किया। प्रतापगढ़ संवाददाता अवनीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।